अभी प्रश्न यह है कि जो सरकार है वो जोर दे रही है कि जो ये आधार कार्ड है और पैन कार्ड है उनको आपस में लिंक करना है, और इसकी कई बार तारीखें बढ़ाई गई, और ऐसा समय भी आ गया कि अब यदि किसी व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल व्यक्ति के पास अपना पैन कार्ड है और उसने उसको आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो उस पर 1,000 रुपये की पेनल्टी के साथ आधार कार्ड से वह पैन कार्ड लिंक कराया जा रहा है, और इसकी आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ाकर 15 जून तक की हुई है। उसके बाद पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब क्यों चाह रही है सरकार की आधार और पैन कार्ड लिंक किया जाए, क्या ज़रूरत है इसकी? तो इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि बहुत से लोगों द्वारा अपना जो पैन कार्ड है वो बनवा लिया गया और फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो दोबारा उन्होंने अपना दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, क्योंकि पहले कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे कि यह प्रमाणित हो जाए कि जिस जो व्यक्ति पैन कार्ड बनवा रहा है उसने अपना पहले पैन कार्ड बनवाया हुआ है या नहीं। तो बहुत से डॉक्यूमेंट थे, कोई राशन कार्ड के हिसाब से अपना पैन कार्ड बनवा लेता था, कोई वोट कार्ड से या कोई और किसी दूसरी फोटो आईडी से जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो बहुत सी आईडी के हिसाब से पैन कार्ड बन रहे थे। ऐसा भी बहुत सा सुनने में आया कि एक व्यक्ति के नाम पर दो या उससे भी ज़्यादा पैन कार्ड अलग अलग नंबर से जारी हो चुके हैं। अब कई बार तो वह व्यक्ति इनका गलत उपयोग कर लेता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके नाम पर पैन कार्ड है वो अनजान होता है इस बात से कि उसका कोई दूसरा पैन कार्ड भी बना हुआ है, और गलत लोग इसका फायदा उठा लेते थे। तो मेन मकसद सरकार का यही है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बनाया जाए कि फिर उस पैन कार्ड को दोबारा बनने या नया उसी व्यक्ति के नाम पर पैन कार्ड जारी होने की संभावना खत्म हो जाए। तो आधार एक ऐसा एकमात्र डॉक्यूमेंट है जिससे कि कोई डॉक्यूमेंट यदि उसकी सहायता से बनाया जाता है या उससे लिंक कर दिया जाता है, तो फिर जो पैन कार्ड बनाने का जो डाटाबेस है, जो एजेंसी है, उन्हें ये पता लग जाता है कि जो आधार कार्ड के माध्यम से नया पैन कार्ड अप्लाई किया जा रहा है उस आधार कार्ड पर पहले से ही कोई पैन नंबर जनरेट किया हुआ है। तो जैसे ही नए आवेदन जहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है, तो वहीं पर जो सिस्टम है पैन कार्ड बनाने का वो बता देगा कि इस आधार नंबर से पहले पैन कार्ड बना हुआ है, तो दूसरा पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो ये संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि एक से ज़्यादा पैन कार्ड कोई बना ले। तो ना तो इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होगी कि कोई उसके नाम पर गलत पैन कार्ड बना ले, और यदि कोई जानबूझकर भी अपना एक से ज़्यादा पैन कार्ड बनवाता है तो ऐसे में भी नया पैन कार्ड बनने पर रोक लगेगी। तो ये मकसद है सरकार का कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जाए और पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाए, ताकि एक से ज़्यादा एक ही आदमी के नाम पर पैन कार्ड ना बन सके, और जो धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की ना हो। और बस यही मकसद है सरकार का। तो